बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी और आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जीतो मगर इल्म से। जी हाँ नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत उन लोगों से करेंगे जिन्होंने पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सबसे पहले हमें भेजे हैं। उसके बाद आप तमाम नाज़रीन ये देखेंगे जो पिछले एपिसोड में पूछे गए थे सवाल, उसके सही जवाब क्या हैं। लिहाजा आइए नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब देने वालों में किन अफराद का नाम है, वो देखना बेहद ज़रूरी है। तो ये रहे उन अफराद के नाम जिन्होंने पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सबसे पहले हमें भेजे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप तीनों को मुबारकबाद पेश करते हैं क्योंकि आप तीनों ने इस हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब हमें भेजे हैं। इनका नाम है, पहला इनाम जाता है मोहम्मद हुसैन वकील, मुंबई महाराष्ट्र, और दूसरा इनाम जाता है इस्मत अमीरी, मुंबई महाराष्ट्र, और तीसरा इनाम जाता है मुंतजिर मर्चेंट, महुआ गुजरात। ऑलराइट, आप तीनों को चैनल विन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में भी आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और पूछे गए सवालों के सही जवाब हमें भेजते रहेंगे। मुबारकबाद के बाद अब देखना ये होगा जो हमने पिछले हफ्ते पूछा था सवाल आप तमाम नाज़रीन से, वो सवाल का सही जवाब क्या है। ये रहे पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये रहे पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब। पहला सवाल हमने आप तमाम नाज़रीन से पूछा था, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद थी। नाज़रीन, इसका सही जवाब है 5 औलाद, 4 बेटे और 1 बेटी। दूसरा सवाल पूछा गया था, कुरान की किस आयत को सरदारे आयत कहा जाता है। इसका सही जवाब है आयतल कुर्सी। तीसरा सवाल पूछा गया था, इमाम अली अलैहिस्सलाम की वालिदा विलादत के वक्त कितने रोज़ खाने काबा में रहीं। इसका सही जवाब है 3 रोज़, 3 डेज। चौथा सवाल था, नमाज दीन का सुतून है, किसने फरमाया। सही जवाब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने। पांचवा सवाल था, अरबिक लफ्ज़ मोइन के क्या मानी हैं। सही जवाब है मदद करने वाला। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये थे इस हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब, लेकिन विनर्स के नाम इससे पहले आप तमाम नाज़रीन ने देखा है। ये वो लोग थे जिन्होंने पिछले हफ्ते पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सबसे पहले हमें भेजे थे। मुझे यकीन इस बात का है कि आप तमाम नाज़रीन इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं कि इस हफ्ते क्या सवालात पूछे जाएंगे हमारे इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ आप जानते हैं कि हम उन लोगों को इनाम देते हैं जो पूछे गए सवालों के सही जवाब हमें भेजते हैं। तो एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए हमारा व्हाट्सअप नंबर, ये उनके लिए है जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, बाकी आप लोग जानते ही हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619667578। याद रहे नाज़रीन, जब भी सवालों का सही जवाब आप भेज रहे हों तो अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। उसके बाद पूछे गए 5 सवालों के सिर्फ और सिर्फ जवाब लिखें। तो जी हां नाज़रीन, जैसा हमने कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब लिखकर भेजना है, सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से नंबर आप तमाम नाज़रीन को बता दूँ, इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, पूछे गए 5 सवालों के सही जवाब सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही आपको भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619667578। सो बी रेडी। अब मैं आप तमाम नाज़रीन से पूछने जा रहा हूँ इस हफ्ते के 5 आसान सवाल। ये रहे इस हफ्ते के 5 आसान सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, ज़रा ध्यान से देखिए। ये रहे इस हफ्ते के 5 आसान सवाल। पहला सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की रहलत के बाद सबसे पहले कुरान किसने जमा किया। दूसरा सवाल है, कुरान पर एराब यानी जेर जबर किसने लगाया। और तीसरा सवाल है, सहीफ़े अलविया के मुअल्लिफ का क्या नाम है। चौथा सवाल है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, ये किसने फरमाया। पांचवा और आखिरी सवाल है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का लक़ब साजिदुल क़िबलतैन की क्या मानी है। ऐसा मुमकिन है इस हफ्ते पूछे गए सवाल को सुनने में थोड़ा सा गलती हो सकती है, लिहाजा एक बार फिर से मैं इस हफ्ते के 5 आसान सवाल दोहराने जा रहा हूँ। एक बार फिर से आप तमाम नाज़रीन टीवी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए।
ये रहे सत्य के पांच आसान सवाल। पहला सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद सबसे पहले कुरान किसने जमा किया? दूसरा सवाल है, कुरान पर एराब यानी जेर जबर किसने लगाया? और तीसरा सवाल है, सहीफ़े अलविया के मुअल्लिफ का क्या नाम है? चौथा सवाल है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, ये किसने फरमाया? पांचवा और आखिरी सवाल है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का लक़ब साजिदुल क़िबलतैन की क्या मानी है? आप तमाम नाज़रीन जानते हैं, जितनी जल्दी भेजेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। अगर आपको पता है इस हफ्ते पूछे गए पांच सवालों के सही जवाब, तो आप हमें ज़रूर भेजें। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा इल्म हासिल करना हुआ बेहद ही आसान, साथ ही साथ हर हफ्ते आप जीतते हैं बेहतरीन इनाम। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक बार फिर से आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी, लेकिन विनर्स के नाम के साथ और कुछ नए सवालों के साथ। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।